हम इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा वाले इस मार्ग पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि जलकल के तमाम ये जो सैकड़ों कर्मी हैं, ये अपनी मांगों को लेकर आज इनको सड़क पर उतरना पड़ा है। और ये खास बात ये है कि काफ़ी समय से इनकी लंबित मांगे हैं और इनके सामने जो संकट आ रहा है वो परिवार के भरण पोषण का भी संकट उत्पन्न होने लगा है। इनके सामने वो हालात आ चुके हैं, इन्हीं पे जानेंगे, इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, किसको लेकर आज आप सड़कों पर उतरे हैं? हम यहाँ पे विशेषकर पिछले 2010 से जो है अपने राष्ट्रीयकरण की बात को लेकर के यहाँ पे उतरे हुए हैं। और इस समय हम जल निगम और जल संस्थान का एक संयुक्त मोर्चा है, जिसमें तमाम हमारे अधिकारी से लेकर और हमारा छोटा सा छोटा कर्मचारी अपने विभाग के अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण की बात को लेकर के यहाँ पे उतरे हुए हैं। इस रैली के माध्यम से अपनी बात को हम राष्ट्रीयकरण के लिए शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं। और ये राष्ट्रीयकरण की व्यवस्थाएँ की बात जो हम कर रहे हैं, ये मात्र हमारी नहीं है, ये भी जनता की है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड जैसे भौगोलिक परिक्षेत्र में, राज्य में अगर जनता तक सही पानी पहुंचाने का काम अगर करना है, तो जल निगम जल संस्थान का एकीकरण करते हुए राष्ट्रीयकरण करना है, तभी जनता का भी इसमें भला है और तभी हमारे कार्मिकों का भविष्य भी इसमें सुरक्षित है। किन प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के सामने इस समय, जब तक वो नहीं हो रहा है सरकारीकरण, या वेतन में कैसी समस्याएं आती हैं? इस समय हमारे पास वेतन की समस्याएं बहुत हो रही हैं। कई महीनों से एक दो महीने लग जाते हैं जब वेतन आने में हमारे पास देरी हो जाती है। और हम शासन प्रशासन से लगातार मांग करते हैं कि हमारे वेतन भत्तों का सिक्योरिटी हमें दो और हमारे बच्चों का भरण पोषण जिससे सही समय पर हो सके। और अगर ऐसा नहीं करते तो हम इसलिए सड़कों पर आज मजबूर होकर उतरे हैं। आप लोग की जिम्मेदारी है घर घर पानी पहुँचाने की, उसके बावजूद आपके घरों में जो सूखा है उसमें महिलाएं क्या कहती हैं? देखिए, जहाँ तक घर घर पानी पहुँचाने की बात है, वो तो हमारे कर्मचारी रात दिन ऐसी विषम परिस्थितियों में जो है लगातार जनमानस के लिए पेयजल की आपूर्ति कर रहा है। लेकिन हमारा सरकार और शासन से यही अनुरोध है कि हमारे पेयजल विभाग को राजकीय विभाग घोषित किया जाए, राजकीय विभाग के आदेश पारित करें, जिससे हमारे जो कर्मचारी भाई है इनका भविष्य, हमारे जो सेवानिवृत्त पेंशनर भाई है उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। और साथ ही जनता के प्रति जब इनका एक ही विभाग पेयजल विभाग को राजकीय विभाग किया जाएगा, तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी जो है सुनिश्चित हो जाएगी। और हमारा तो सरकार से यही आग्रह कि पेयजल कर्मचारी जो है लगातार 10 वर्षों से राजकीयकरण की मांग कर रहा है और सरकार को इस विषय में पहले भी सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है और हमारे राजकीयकरण के प्रकरण को जो है कैबिनेट नोट तक बनाया जा चुका है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि किन कारणों से हमारे पेयजल विभाग को राजकीय विभाग नहीं कर रहा है। इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए हमारे पेयजल कर्मचारी आज हजारों की संख्या में सड़कों में है। हम राजकीयकरण चाहते हैं, मेन हमारा राजकीयकरण मुद्दा है, उसी के चक्कर में हम सड़कों पर उतरे। राजकीयकरण होना नितांत आवश्यक है। राजकीयकरण की ये जो हमारी मांग है जो काफी समय से चल रही है, जिससे कि ये जो कर्मचारियों में ये एक जोश रहेगा और अपने को शुक्र महसूस करेगा, अन्यथा इनका कोई भरोसा नहीं है जो कब है जो इस विभाग को भेज दे। जैसे ADP को दिया, 18 साल के लिए भेज दिया, ऐसी है जो ये है जो और भी कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा कर्मचारियों में जो जोश का कारण रोष है, तो रोष इसलिए है कि हमारा विभाग के जितने भी कर्मचारी है उसे राजकीयकरण किया जाए, जिससे कि वो है जो सारे परिवार उनके बाल बच्चे सुखर हो। ये एक ही मांग है हमारी, राजकीयकरण करें ताकि हमारा समस्या हो जाए, वेतन और भत्ते का सुरक्षित हो जाए। वेतन सही समय से नहीं मिल पा रहा है, जल निगम में दो महीने से वेतन नहीं मिला है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिला है, यही स्थिति जल संस्थान में आने वाली है। तो हम ये इसीलिए जो है राजकीयकरण की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनका जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है, एक और जहाँ वो पेयजल की सप्लाई में अपना दिन रात एक करते हैं, तो उनके घर में ही सूखा पड़ गया, वेतन नहीं आने से परिवार चलाने में बड़ी सारी समस्याएं आती है। हालांकि प्रशासन को दिखाना चाहेंगे आपको चारों तरफ से बैरिकेड करके रोक दिया गया है। बहरहाल यहीं पर ज्ञापन सौंप कर इनकी बात सुनी जाएगी और इन लोगों की हड़ताल अभी आगे तक जारी रहने की ये लोग बात कह रहे हैं। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।